Hello student, welcome to programming mode. Today's topic is if then else statement. आज हम ये देखेंगे JavaScript में हम if then else statement कैसे use करते हैं. और अगर आप इस channel पे नए हैं तो सबसे पहले video को like और subscribe जरूर कर लीजिएगा. channel को like कर लीजिएगा, subscribe कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली video आप तक पहुंच सके. तो start करते हैं आज का topic if then else statement. अब मैंने कमेंट में लिख रखा हुआ है इफ देन एल्स स्टेटमेंट. इफ का मतलब होता है अगर, देन या एल्स. अगर ये हो तो ये हो जाए, नहीं तो एल्स स्टेटमेंट रन हो जाए. क्या बोला मैंने? इफ का मतलब होता है अगर, अगर ये है तो ये हो जाए, नहीं तो एल्स. एल्स का मतलब होता है नहीं तो, मतलब एक तरह से अगर कुछ भी नहीं हो तो एल्स स्टेटमेंट चल जाए. इसका मतलब ये होता है. एल्स का मतलब सबसे लास्ट में, जैसे अगर तमाम स्टेटमेंट फॉल्स हो रही होंगी तो लास्ट में एज स्टेटमेंट चल जाएगी हमारी. तो स्टार्ट करते हैं हम बार. मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, नम की वैल्यू 10. मैंने एक नम की वैल्यू 10 रखी है यहाँ पे और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ. अब मैं एक काम कर रहा हूँ कि यूजर से मैं इनपुट ले रहा हूँ. यूजर इनपुट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे. मैंने कमेंट में लिख लिया यूजर इनपुट. पहले मैं इसको फुल स्क्रीन कर लूँ जरा. मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ. अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं एक इनपुट ले रहा हूँ वार इनपुट. मैंने एक इनपुट का वेरिएबल बनाया है और इसमें मैं, आपको पता होगा कि हम किस तरह लेते हैं, प्रॉम्प्ट लिखते हैं प्रॉम्प्ट. और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इंटर योर नंबर. अब मैंने क्या बोला कि भाई आप अपना नंबर इनपुट करो. यूजर से मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप अपना नंबर इनपुट करो. अब यूजर इनपुट, जो भी इनपुट आएगा वो इनपुट के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा. ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं लाइन नंबर 5 में. हम देखेंगे तो मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगा रहा हूँ. इफ अगर इनपुट की वैल्यू बराबर हो नम के, वापस मैं रिपीट कर लेता हूँ यहाँ पे. अगर इनपुट की वैल्यू बराबर हो, मतलब जो यूजर ने इनपुट दिया होगा उसकी वैल्यू अगर नम के बराबर होगी. नम की वैल्यू क्या है, 10 है. ठीक, मैंने यहाँ पे नम लिख दिया है 10 हो तो क्या हो जाए. सॉरी, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट तो क्या हो जाए भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो यू इंटर You are enter और प्लस करके मैं क्या लिख रहा हूँ, ये वेरिएबल लिख रहा हूँ इनपुट. ठीक है, जो भी उधर इनपुट करा होगा मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा कि भाई यू आर इंटर 10. ठीक है, अगर नहीं, अगर ये नहीं हो, अगर इनपुट की वैल्यू नम के बराबर नहीं हो. क्या बोला मैं, अगर इनपुट की वैल्यू नम के बराबर नहीं हो. यहाँ पे चले मैं यहाँ पे करेक्शन कर लेता हूँ ताकि आपको अभी थोड़ा सा, यू आर इंटर 10 सिंपल 10 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, अगर इनपुट की वैल्यू नम के बराबर नहीं होगी तो क्या हो जाए, एज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए. एज मैंने आपको समझा दिया एज स्टेटमेंट क्या होती है. अब एज में क्या लिख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर नॉट इंटर 10. क्या बोला, अब एज स्टेटमेंट क्या होगा, अगर उसने 10 स्टेटमेंट, अगर उसने इनपुट की वैल्यू 10 दी होगी तो राइट क्या हो जाएगा, यू आर इंटर 10. अगर अगर यूजर ने इनपुट की वैल्यू 10 नहीं दी होगी तो क्या 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 हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, यू आर नॉट इंटर 10. ठीक है, कि यूजर ने इनपुट 10 नहीं करा है तो दूसरा नंबर जो भी करेगा वो. अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ अपनी फाइल पे, रिवील देन फाइल एक्सप्लोरर पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी फाइल ओपन हो जाएगी यहाँ पे. अब क्या बोल रहा है, एंटर योर नंबर. अगर मैं यहाँ पे 2 इनपुट करूँ, 1 इनपुट कर रहा हूँ तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ये हम चेक कर लेते हैं एक मिनट में. मैं यहाँ पे 1 इनपुट कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे अपनी फाइल दोबारा रन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अपनी फाइल. यहाँ पे अगर 1 इनपुट करूँगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यू आर नॉट एंटर 10. क्या हमारे पास आ गया, एज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है. मतलब क्या, मैंने 10 इनपुट नहीं करा था तो यहाँ पे, अब मैं वापस अगर मैं 10 इनपुट करूँगा तो आप देखें यहाँ पे क्या
डिस्प्ले होगा हमारे ब्राउजर पे, यू आर इंटर 10। अब देखें आपको समझ में आ गई होगी इफ का मतलब क्या होता है, अगर मैंने 10 इनपुट करा तो डिस्प्ले पे 10 इनपुट हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, और अगर मैंने 10 इनपुट नहीं करा तो क्या हो जाएगा, तो आपने देख लिया यू आर नॉट अंडर 10। ठीक है, तो आपको इफ देन एल्स स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी कि हम इफ क्यू यूज करते हैं और इफ देन एल्स क्यू यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं एक और प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ आपको। मैं बार इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, बार इनपुट इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, क्या लिख रहा हूँ, प्लीज इंटर योर नंबर, यानी क्या बोला भाई, अपना नंबर इनपुट करें। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अगर इफ इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो, क्या बोला मैंने, अगर इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो तो डिस्प्ले क्या हो जाए, यानी क्या बोला, अगर इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन आपकी मर्जी, आप जो लगाना हो, इनपुट 10 हो तो आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर सकते हैं योर नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो मैंने एक कंडीशन लगा दी यहाँ पर, नहीं तो अगर ये नहीं हो, 10 से स्मॉल हो तो क्या करते हैं, एज कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए। एज स्टेटमेंट क्या होती है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट नंबर इज लेस देन 10। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोला, मैंने योर नंबर इज लेस देन 10, मैं अभी सेव करता हूँ, मैं अपने ऊपर वाली स्टेटमेंट को मैं इसे मैं कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, इसे मैं कमेंट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि तो ये मुझे एग्जीक्यूट नहीं करानी। एस करता हूँ कंट्रोल एस, मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ। अब क्या बोल रहा है, योर प्लीज इंटर योर नंबर, अगर मैं 20 करूँगा तो आप देख सकते हैं योर नंबर इज ग्रेटर देन 10। अब मैं वापस एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे 9 तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, योर नंबर इज लेस देन 10। तो आपको अब समझ में बिल्कुल क्लियर होना जाना चाहिए कि इफ कंडीशन और एज कंडीशन यूज कर रहे होते हैं।